प्रधानमंत्री मोदी आज से मिशन यूरोप पर हैं। जी हां, यूरोप के कई देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छह दिन की ये यात्रा है। चार यूरोपीय देशों की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। छह दिन का ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें वो रूस, स्पेन, जर्मनी जाएंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह। आशीष, छह दिन का यह दौरा है और चार यूरोपीय देश, लेकिन काफी अहमियत रखता है जो तमाम मुलाकातें इन छह दिनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है भारत की दृष्टि से। बिल्कुल सुमेरा, क्योंकि रूस एक बहुत क्रूशियल फेज से गुजर रहा है अभी, और रूस के साथ भारत का स्ट्रैटेजिक डायलॉग है। प्रधानमंत्री स्ट्रैटेजिक डायलॉग के लिए जा रहे हैं, और जो बाकी तीन यूरोपीय देश जिनका जिक्र आप कर रही हैं, उनमें से भी दो देशों के साथ प्रधानमंत्री को स्ट्रैटेजिक डायलॉग करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। चार में से तीन देशों के साथ हम कह सकते हैं एनुअल समिट है भारत और उन देशों के बीच। प्रधानमंत्री मोदी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, और इसका प्राइम फोकस उनके इस विजिट का इकोनॉमिक कंसिडरेशन ही है कि किस तरह से व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाया जा सके, फाइनेंशियल कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके, और साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो का एक्सपेंशन, जो भारत का एक मुख्य उद्देश्य है, प्रधानमंत्री ने हर फोरम पे इसको रेज किया है। इन मामलों को लेकर के भी प्रधानमंत्री सक्रिय तौर पर फिर से दुनिया का सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, और आतंकवाद एक मुख्य मुद्दा जरूर रहने वाला है। रशिया के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश होगी कि सपोर्ट भारत को ज्यादा से ज्यादा इन मुद्दों पर मिल सके, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइम फोकस प्रधानमंत्री के इन चार देशों के विजिट का एनुअल समिट, और समिट के जरिए फाइनेंशियल कोऑपरेशन को और आगे बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में लाना, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है भारत की उसको और आगे बढ़ाने की दिशा में इंश्योर कर पाना, इस फोकस के साथ प्रधानमंत्री आज इन चार देशों की अहम यात्रा पर निकल रहे हैं। जी हाँ, तो इन चार देशों की अहम यात्रा पर रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और काफ़ी अहमियत रखता है क्योंकि एनुअल समिट है जहां पर शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आर्थिक क्षेत्र में किस तरह से योगदान आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर बात होगी, और एनएसजी को लेकर भी, उसमें भारत अपनी जो सीट पक्की करना चाहता है उसको लेकर भी भारत यहाँ पर समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा। तो जर्मनी, स्पेन, रूस, इन देशों की यात्रा पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छह दिन की यात्रा है, चार यूरोपीय देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो गए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।